Hello students, myself Bhagwat Singh Udawat, team physics, CLC Sikkar. Aaj hai DCM number 13, jiske andar jo topic hai, wo hai gravitation and SHM, to usko apan discuss karte hain. Question number first hai, when the displacement of the particle executing the SHM is 1/4 of its amplitude, what fraction of the total kinetic is energy, kinetic energy? बोला है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा. देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन को चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर. वी की जगह यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए बाई फोर का स्क्वायर, क्योंकि वी का स्क्वायर क्या है, डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इज हाफ ओमेगा स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/16. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 N. द ब्लॉक इज पुल्ड टू द डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एट एक्स इज इक्वल जीरो ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन में ये बोला गया कि टी इक्वल टू जीरो पर उसको पुल कर दिया और उसको छोड़ दिया. देखो रेस्ट से रिलीज किया है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजिशन से हो रहा है, और एक्सट्रीम पोजिशन से होगा क्या आगा कॉस इक्वेशन आएगी. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इसका जो जितना डिस्प्लेसमेंट किया 5, तो आपको मीटर में दे रखा है तो 0.05. बाकी वैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ कॉस वाला एक ही ऑप्शन है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी. नेक्स्ट नेक्स्ट है, टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर. इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड रिलीज दे विल एग्जीक्यूट SHM, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी. नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π. ये दोनों SHM करेंगे तो इसका अपन रिड्यूस मास यूज करेंगे, और रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाय m+m2, तो ये आ गया m/2, तो ये आ गया m/2 kg. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, द एक्सट्री ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन द फिगर. द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3. देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सॉरी एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय -ω² x. ठीक है, आप यदि ऑप्शन में देखो तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो अपन को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ बात आती है ओमेगा की, सो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8, तो ओमेगा होता है 2π/T. तो मैं ओमेगा का स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4π का स्क्वायर 8, तो 64. ठीक है, तो 8 है इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, तो हो गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर. नाउ अपन को फाइंड करना x, x के लिए अपने पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1 sin ω. ओमेगा अपन ऑलरेडी फाइंड कर लें, लेकिन वापस पुट करता है तो 2π/T, टी का वैल्यू 8, और अब हमको कौन सी जगह पर पूछा है 4/3, ये 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर π/3, तो साइन π/3 दैट इज √3/2. ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 2nd. नेक्स्ट नेक्स्ट, वन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स स्पीड विल. तो अपन को पता है कि कोई भी पार्टिकल यदि और इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व. एंगुलर यदि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा हो या अर्थ के अराउंड कोई प्लानट मूव कर रहा हो, सॉरी सैटेलाइट मूव कर रहा हो, सब में एक ही बात होती है. सो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी जब सबसे नियरेस्ट रहेगा तब, और सबसे कम रहेगा जब यहाँ पर रहेगा तब. ठीक है, सो मैक्सिमम एट द पॉइंट नियरेस्ट फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट, द डेंसिटी
of the newly discovered planet is twice that of Earth, the acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that of the surface of the Earth. तो आपको बोला है कि उसका रेडियस क्या रहेगा. देखो जी इक्वल दे रखा है सबसे पहली बात, और क्योंकि टर्म क्या दे रखा है, डेंसिटी के रिगार्डिंग दे रखा है. तो डेंसिटी के रिगार्डिंग दे रखा है तो अपन को क्या डेंसिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. तो जी का फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम आर स्क्वायर. तो एम को मैं लिख सकता हूँ रो 4/3 πr का क्यूब. तो यहाँ पर पुट करेंगे तो जी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर. अब बोलो क्या है कि एक की डेंसिटी रो है, उसका रेडियस आर टू है, और जो अर्थ है उसकी डेंसिटी रो और आर है, तो अपने पास आर का वैल्यू आ जाएगा आर बाई टू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th. फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है. तो देखो फॉल्स में इसमें कौन कौन से ऑप्शन है अपन को फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है. तो फर्स्ट है डिक्रीज विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट राइट है. अपन को पता है जब ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला होता है जी वन माइनस टू एच बाई आर, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग राइट हो गया. इट इंक्रीज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये बोला कि सेंटर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, ये रॉन्ग है क्योंकि सेंटर की तरफ जाते हैं तभी भी क्या होता है डिक्रीज. तो ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड. नेक्स्ट 8. ए बॉडी ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस 4 re फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है. सरफेस ऑफ द अर्थ पर से है तो अपन देख लेते हैं सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से का डिस्टेंस जो है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 5 r. और आपको क्योंकि टर्म जी के टर्म में दे रखा है तो मैं क्या करूंगा इसको आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा आर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये आ गया मेरे पास माइनस जी एम आर स्क्वायर आर डिवाइड बाई 5 into m. तो ये हो गया माइनस एम जी डिवाइड बाई 5 re, ठीक है. अब बोला है कि इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इट स्केप द फील्ड. तो डेफिनेटली जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आपको इक्वल देनी पड़ेगी. तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके इक्वल एंड ऑपोजिट. तो आंसर आ गया 3rd. ओके क्वेश्चन नंबर 9th. द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर अबाउट इट्स एक्सिस स्पीड अप ए वैल्यू सच दैट द मैन एट द लेटिट्यूड एंगल 60 degrees फील्स वेटलेसनेस, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन सच केस विल बी, बोला है कि इसमें कितना रहेगा. तो देखो ये सपोज अर्थ है और इसका यदि यहाँ पर लेटिट्यूड दे रखा है अपन को 5, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5. वेटलेसनेस तब फील होगा जब जी का वैल्यू कितना हो जाए 0. तो मैं इसको कर देता हूँ 0. तो 0 इज इक्वल टू जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 60. अब कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 करेंगे तो 1/4. तो यहाँ मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4g/r और ये करेंगे तो आ गया ओमेगा, ठीक है, दैट इज 2g/r. नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω. तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 meters फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन इट्स एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 3. आपको बोला गया है कि एक है इसका मास है 5 kg और यहां से एक 1 kg पार्टिकल है. अच्छा इसकी रेडियस गिवन है, ये है रेडियस 3, ठीक है. और पार्टिकल जो यहां से रखा हुआ है वो रखा हुआ है 4 पर. तो इसकी जो मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी यदि लिख लूँ तो वो आएगा मास यहाँ पर 1 kg, तो 1 into g 5 into ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस. अब ये वाला डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये 3 है 4 है, तो ये हो गया 5, ठीक है. ये अपने पास आ गई इनिशियल एनर्जी. नाउ फाइनली बोल रहा है कि जब इसको आप यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते हो और डिस्टेंस है √3, तो यू फाइनल में लिखूंगा इसका, तो बस थोड़ा सा इतना ही चेंज आएगा, ये 1
जी, 5 इसका मास है, डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ये है 3, तो मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 9 ये हो गया 27। ओके, ये हो गया 27 प्लस 9 दैट इज 36, तो r का वैल्यू आ गया रूट ऑफ 36 दैट इज 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, या मैंने माइनस नहीं लगाया, अदरवाइज माइनस आएगा, तब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट 11th, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पिवोटेड एट द पॉइंट ओ ऑन द इट्स सर्कमफेरेंस, द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क इज। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक डिस्क है, इसको यहाँ से कर रखा है, ये आपके पास डिस्क है, इसकी रेडियस आपको गिवन है आर, और इसको इसके अबाउट रोटेट के लिए फ्री है। यदि इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा, तो देखो उसमें क्या करना होता है, ये इसका मास होता है, ये पॉइंट ए है, मैं यदि इसको डिस्प्लेस करता हूँ थोड़ा सा तो इधर चला जाएगा, यदि इसको मैं थीटा एज्यूम करता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास एम जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ ए, क्योंकि ये रोटेशन का क्वेश्चन है तो अपन लिखेंगे टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अल्फा। नाउ टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा इंटू आर आई ए दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अपन यदि अब इसको वैल्यू को सॉल्व करें, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, इसको मिटा लेता हूँ एक बार, तो अपने पास इक्वेशन आ गई एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब बोला गया है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब साइन थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2, देखो एम से तो वैसे एम कट जाएगा, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा जी, यह आ जाएगा आर थीटा, ये जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो अपने पास ओमेगा आ गया 2g 3 3r, तो टाइम पीरियड इज 2π/2 ओमेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए स्मॉल इंक्लाइन प्लेन ए बॉडी ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द बिटवीन टू स्प्रिंग, एक ब्लॉक एम दे रखा है, देर का एम, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग आर फिक्स्ड टू द रिम सपोर्ट, इफ इच स्प्रिंग हैज फोर्स कॉन्स्टेंट के द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी इज। तो देखो ये क्वेश्चन जस्ट कंफ्यूज करने दिया था कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो एम जी पर या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है दैट इज 2πm डिवाइड बाय के इफेक्टिव। ठीक है, अब दोनों ये पैरेलल में है तो के इफेक्टिव हो जाएगा के प्लस के दैट इज 2k। ठीक है, तो करेंगे इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मास कैपिटल एम एंड एम आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय द मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के, व्हेन द मास आर इन इक्विलिब्रियम मास एम इज रिमूव्ड फ्रॉम विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज। देखो सिंपल सी बात है कि पहले दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एम और ये एम, अभी कैसे कनेक्टेड है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी ये यहाँ से कितने दूर है, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स वन, तो के एक्स वन इज इक्वल टू एम प्लस एम जी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स वन दैट इज एम प्लस एम डिवाइड बाय के जी।
देखो ये मैं फाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड होता है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस, और एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं इस एम को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं जैसे एम को रिमूव करूंगा, इसको यहाँ से जैसे मैं रिमूव करूंगा, तो अब क्या होगा, देखो ये इसका आ गया एक्सट्रीम पोजिशन, और बिकॉज ऑफ दिस ओनली एम इसका जो मेन पोजिशन है वो नया चेंज हो जाएगा। लेट इसका नया मेन पोजिशन यहाँ पर आ रहा है एक्स नॉट पर, तो मैं अब एक्स नॉट भी सीधा लिख लेता हूँ। एक्स नॉट आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई के, क्योंकि अभी कैपिटल एम चला गया, तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, टू पार्टिकल आर इन एस एच एम विद द सेम एम्पलीट्यूड ए एंड सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एट टाइम टी जीरो, वन इज एट वन प्लस टू एंड एट सेकेंड इज एट माइनस ए बाई टू, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इसका एक सर्कुलर मोशन का डायग्राम बनाता हूँ। अपन को पता है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन फेजर डायग्राम का है। तो ये अब देखो पार्टिकल बोला है कि वो ए बाई टू पर है, तो एक यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि ये है अपने पास ए बाई टू, और दूसरा है माइनस ए बाई टू। इनका मोशन हमेशा ऐसा है, ठीक है। तो बोला गया है कि दोनों का मोशन का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ से इसको यदि मैं ऐसे लेता हूँ, तो अब इसको मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लूँगा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो सेंस है वो ऑपोजिट हो जाएगा एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अब टोटल इसको यदि मैं फाइव बोलता हूँ तो इसको भी फाइव, तो इसका जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा टू फाइव। नो फाइव फाइंड करना ईजी है, ये अपने पास ए दे रखा है, तो ए साइन फाइव इज इक्वल टू ए बाई टू, तो फाइव का वैल्यू आ गया पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो आ गया आंसर पाई बाई थ्री, तो आंसर इज फर्स्ट वन, सॉरी आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टी वन, स्प्रिंग ऑफ बोला गया है इसका स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा टू पाई एम बाई के, एंड दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता है टू पाई एल बाई जी, ठीक है। ये दो इसके अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं। नाउ एट हाइट एच इज इक्वल आर, सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं तो टी वन डैश हो जाता है, टी टू डैश हो जाता है, तो इसमें रिलेशन क्या है। पहली बात, ये जो टी वन है ये, और ये जो टी टू है, टी वन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो टी वन वाले ऑप्शन तो ये सीधे सीधे गए, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन ये आ गया, और वैसे भी ऊपर जाएंगे तो जी विल डिक्रीज, हेंस टाइम पीरियड विल इंक्रीज, तो आंसर नंबर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये एस एच एम और रोटेशन दोनों को कंबाइन किया है और फिर ग्राफ दिया है आपको। द डिस्क ऑफ मास एम एंड द रेडियस आर इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट एज शोन इन द फिगर, द डिस्क इज मूव्ड टू एक्स इज इक्वल टू वन एंड देन रिलीज, इसको यहाँ मूव कराया है और इसको फिर यहाँ से रिलीज किया है, ठीक है। यहाँ पर मूव कराया है और फिर यहाँ से रिलीज किया है, तो आपको बताना लेट एफ बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम बिटवीन डिस्क एंड ग्राउंड, तो फ्रिक्शन का ग्राफ क्या है। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो अपने टेक्निकली इसको बात किया जाए तो पहली बात ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ कॉस से आएगा, पहली बात तो ये होना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे आएगा बात सुनो, ये अपन इसको देंगे क्योंकि ये प्योर रोलिंग करता रहेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा के एक्स, एक्स का इक्वेशन मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो अपन एक्स के बारे में तो बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फाइंड करने का मेथड है, देखो जब प्योर रोलिंग होती है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपन को अननोन होती है, सो वी कैन चूज इन एनी डायरेक्शन, बट मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ एफ, ये अपना लोएस्ट पॉइंट ए, इसमें टॉर्क हमेशा दो जगह से लिखते हैं, एक लिखते हैं टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई ए अल्फा, टॉर्क अबाउट ए, यहाँ से देखने पर कौन लगा रहा है स्प्रिंग, तो ये आएगा के एक्स इज इक्वल टू
थ्री बाई टू डिस्क है ना, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर अल्फा इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा वी कैन यूज टॉर्क अबाउट सेंट्रो मास, सेंट्रो मास के अबाउट टॉर्क देखेंगे कौन लगाएगा, एफ, ये वाला फ्रिक्शन एफ, तो वो भी कितना लगाएगा, सॉरी ये आर है, सॉरी सॉरी एक मिनट, ए टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए कितना है, के एक्स इंटू आर इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा मैं लगा रहा हूँ टॉर्क अबाउट सेंट्रो मास, तो सेंट्रो मास के अबाउट देखूंगा तो कौन लगाएगा, एफ, तो एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एफ डिवाइड बाई के एक्स, एफ डिवाइड बाई के एक्स, तो ये आ जाएगा ओनली के एक्स आ गया वन बाई थ्री, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू आ गया के एक्स बाई थ्री। तो सीधी सी बात है, जैसे एक्स का अगर आप रहेगा वैसा का वैसा रहेगा फ्रिक्शन का, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द वर्टिकल, देन एस्केप वेलोसिटी विल बी, तो एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, वो कब रहेगा, तो आंसर नंबर वो रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस, द चेंजेज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू आर ऑफ द रेडियस इज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, फिर इसको हाइट तक लेकर जा रहे हैं जिसकी ये आर दे रखा है, तो यू फाइनल हो गया माइनस जी एम एम डिवाइड बाई टू आर, ठीक है। नाउ डेल्टा यू पूछा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इसको माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइड बाई आर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया वन माइनस टू, तो ये आ गया जी एम एम डिवाइड बाई टू आर। नाउ जी की टर्म में लिखना है तो इसको आर सिंप्लीफाई कर दो, आर कर दो, तो ये हो जाएगा जी एम जी आर बाई टू। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन बी, ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम एग्जीक्यूटिंग SHM अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड डैम्पिंग कांस्टेंट B। देखो इस B की यूनिट दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, B की यूनिट है 40 ग्राम पर सेकेंड और मास भी दे रखा है 200 ग्राम। द टाइम इलेस फॉर इट्स एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप टू द हाफ ऑफ इनिशियल, तो डैम्पिंग ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू A नॉट A की पावर माइनस B डिवाइड बाई टू एम इंटू टी, ठीक है। अब इसको अपन बोला है कि एम्पलीट्यूड कितने टाइम हो जाएगा, तो लेट दैट इज A बाई टू, तो ये मेरे पास आ गया वन बाई टू इज इक्वल टू E B टू एम इंटू टी, इसका मतलब क्या हो गया E B टू एम टी इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब अपन दोनों तरफ एलन ले लेते हैं, बिकॉज आपको एलन का वैल्यू दे रखा है, उसमें माइनस लिखना था, माइनस बोल गया, माइनस आपको दे रखा है, तो ये आ गया माइनस बी टू एम टी इज इक्वल टू एलन टू, आपको एलन वन बाई टू का वैल्यू दे रखा है, तो अब यहाँ तो ईजी हो गया, इट इज टू एम बी एलन वन बाई टू, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.93, ठीक है। तो आंसर की में शायद गलत पॉइंट उधर उधर हो गया था, बट आंसर इज 6.93। नेक्स्ट, द प्लैनेट हैज मास 1/10 ऑफ द अर्थ, मतलब मास जो है वो है m बाई 10 एंड रेडियस है 1/3, जो रेडियस है वो है r बाई 3। इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन ऑन द अर्थ सर्फेस टू हाइट ऑफ 90 मीटर, देन वॉट विल बी द एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द दैट प्लानट टू द हाइट, हाइट आपको किलोमीटर में दे रखिए। तो देखो पहली बात तो ये है
कि हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बेसिकली हाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। नाउ जी होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ठीक है, नाउ अर्थ से कंपेयर कर लेते हैं। आपको हाइट पूछी है वो, और अर्थ पर हाइट दे रखी है 90 मीटर इज इक्वल टू, अब हाइट एच तो आर इज आर बाई 3 का स्क्वायर इंटू मास एम बाई 10 हाइट आ गई 90 × 10 दैट इज 100 मीटर। किलोमीटर में तो 0.1 किलोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट, थ्री पार्टिकल इच ऑफ मास एम आर प्लेस एट द थ्री कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। इफ द फोर्स ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ द पार्टिकल ऑन एनदर पार्टिकल मास एम प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इज, आपको बोला गया है ये मास, ये मास और ये मास, ये एम एम और एम, इसकी साइड एल दे रखिए। अब बोला गया कि यहां पर एक दूसरा मास रखा एम, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा। तो देखो इसके कारण फोर्स यदि ऐसे आएगा, इसके कारण फोर्स ऐसे आएगा, तो ये तो होगा कैंसिल आउट। तो अब जो फोर्स रहेगा वो सिर्फ इसके कारण रहेगा ना। ये फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, जी एम एम डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एल कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30, कॉस 30 √3/2, तो जी एम एम एल स्क्वायर √3/3/4, तो आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए सैटेलाइट इज सीन आफ्टर इच 8 आवर ओवर द इक्वेटोरियल एट द प्लेस ऑन द अर्थ व्हेन इट्स सेंस ऑफ रोटेशन इज अपोजिट टू द अर्थ। क्वेश्चन ये बोला है कि सपोज मैं यदि अर्थ का ओमेगा ऐसे एज्यूम करूं और सैटेलाइट का यदि ऐसे एज्यूम करूं, तो 8 आवर बाद एक दूसरे को दिखते हैं। तो देखो इसमें ओमेगा जो रिलेटिव है वो आ जाएगा ओमेगा सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ द अर्थ। मैं इसको ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आएगा, 2π डिवाइड बाई ओमेगा रिलेटिव, दैट इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट। तो अपन इसको ऐसे बेटर लिख लेते हैं, ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π, कितने आवर में दिख रहा है 8, ठीक है। अर्थ का जो अपन को ओमेगा वो पता है, ठीक है, उसको बाद में यूज कर लेंगे। नाउ नाउ नेक्स्ट, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच इट कैन बी सीन एट द सेम प्लेस व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट सेम। अब बोलो यदि दोनों का सेम हो जाता है तो क्या करेंगे, ओमेगा एस प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T1, ये आपको पूछा है। तो सिंपल सा ये, इसमें से एक को सबडेट कर दो, किसी में से एक को सबडेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2ω0 इज इक्वल टू 2π/T माइनस 2π/8। ओमेगा नॉट का वैल्यू अपन को पता है, वो होता है 2π/24। जब सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 24। नेक्स्ट नेक्स्ट है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज वी। ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रहेगी वी, ये आपको दे रहेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम डिवाइड बाय आर फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द लैटिट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस। तो आपको बोला है कि वो कितना रहेगा, तो मैं लिखूंगा जी एम और आर की जगह आ जाएगा 3r/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 4 दे रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, यहाँ से आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट, इफ
Three uniform spheres, each having mass m and radius r, are kept in the such a way that the each touches the other two. The magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two is. देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, जल्दीबाजी में अपन गलत करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये. ये आपको ऐसे दे रखे हैं, तो अपन को पता है कि इसके कारण जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा, इसके कारण फोर्स ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, ये एंगल 60 डिग्री, तो रूट थ्री इंटू एफ. एफ कितना आएगा, जी एम डिवाइड बाय 2R का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 1.73 डिवाइड बाय 4, बाकी आपको दे ही रखा है. नेक्स्ट सेवंथ, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस बाय 10%, द मासेस रिमेनिंग अनचेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें. तो अपन को पता है जी का वैल्यू होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. अब आपको जो नया रेडियस बोला है वो 10% है डिक्रीज करने के बाद, तो दैट इज 9R/10. तो अपने पास जो जी डैश नया आएगा वो आएगा जी एम डिवाइड बाई 81R² × 100. आर स्क्वायर कर दिया. नाउ चेंज पूछा है, तो चेंज कितना आएगा, जी एम प्रतिशत पूछा है जी एम, तो ये हो गया 1 - 81/GmR² × 100. ठीक है, इसको अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 19. ये हालांकि डिक्रीज होता है बट अपन को उसको मतलब नहीं था, सिर्फ चेंज पूछा था. ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये था मेंस का क्वेश्चन, बैलेंस पेपर था, ट्राई किया था, सब वेरिएशन पूरे हो. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एडवांस का. ओके, अब अपन सॉल्यूशन करते हैं एडवांस का. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, वी कैन कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लोज सिस्टम इज जीरो. वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एंड कोलिनियर. And the net torque experienced by the system about any inertial point is zero. Hence, the angular momentum of the system remains constant about any inertial point. Using the above ideas, answer the following question. देखो यहाँ पर एक बहुत simple बातें बोली, लेकिन बहुत ध्यान से. Momentum conserved रहेगा लेकिन linearly, क्योंकि वो action and reaction pair है. And angular momentum conserved रहेगा about inertial point. ठीक है, मतलब जो point जिसका relative acceleration नहीं हो उसके about. अब आपको first दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड टेंजेंशियली टू द अर्थ सर्फेस विद द वेलोसिटी. ये आपको अर्थ सर्फेस है, वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी अपन याद रख लेते हैं 4gm/3r. ठीक है, तो वेलोसिटी थी 4gm/3r, ये वेलोसिटी थी. तो इसमें आपको पूछा है वॉट विल बी मैक्सिमम हाइट. देखो इसको वर्टिकली सीधा नहीं फेंका, टेंजेंशियली फेंका है, तो इस सिस्टम के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो अपन लेट एज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसे जा रहा है और ऐसे करके बाद ये वापस ऐसे मूव करेगा, तो लेट ये मैक्सिमम हाइट है, ये आर आ जाती है और ये वेलोसिटी हो जाती है इस डायरेक्शन में v1, इसको अपन v0 मान लेते हैं. तो इसमें आपको दो कंजर्वेशन लगाने पड़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन इसके कारण नहीं रहेगा, ऐसा जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन. तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ फिर आंसर अपने आप आ जाएगा. पहले एनर्जी कंजर्वेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी है पहले जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. इसका करूँगा तो यह आ जाएगा 4/3 जी एम डिवाइड बाय आर. ये इनिशियल एनर्जी है इक्वल टू फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी रहेगी हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2R. थोड़ा सा अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4/6 माइनस 1 जी एम आर इज इक्वल टू वी वन का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम डिवाइड बाई डिवाइड बाई सॉरी डिवाइड बाई
जी एम एम डिवाइड बाई आर, तो ये आ जाएगा आर। इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ये इनर्शियल है, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम वी नॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर। वी वन एज्यूम कर लिया मैंने, ये तो वी वन का वैल्यू आ गया वी नॉट आर बाई आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया टू। अब जब मैं वी वन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो एक बात ध्यान रखना, जो आपको ध्यान रखना वो कि जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं है, आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप ऑप्शन पुट करोगे तो आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा टू आर, ठीक है। तो हाइट पूछिए तो हाइट कितनी हो जाएगी आर, ठीक है। तो ओवरऑल ये आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो वेलोसिटी अपने पास आ गई वी नॉट आर डिवाइड बाई टू आर, दैट इज वी नॉट बाई टू, ठीक है। तो वी नॉट बाई टू फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 3 केजी एंड 6 केजी आर रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द 3 केजी ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट 900 व्हिच इज कंप्रेस्ड टू 2 मीटर इनिशियली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन 3 केजी मास इज रिलीज इज स्ट्राइक टू 6 केजी मास एंड टू स्टिक टुगेदर इन द इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसके आगे जो भी पूछा है, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। तो एक तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन में लगा लेता हूँ, जब यहाँ से वो यहाँ आएगा तब हाफ के टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ थ्री वी का स्क्वायर, ये कॉलेजन से पहले की वेलोसिटी है, टू से टू चला गया, के आपको गिवन है 900 ये आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू थ्री वी का स्क्वायर, वी कट गया, वी इज 30, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, वेलोसिटी 30। अब क्या होगा, बोला गया ये दोनों स्टिक हो रहे हैं, स्टिक होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व, सॉरी मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ मैं, दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। तो 3 केजी की वेलोसिटी थी ऐसे, 3 की वेलोसिटी थी 30, और अब ये कंबाइंड हो गए, ये टोटल मास हो गया 9, क्योंकि ये 3 है और 6 है, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कितना हो गया, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 9 इंटू v1, तो v1 इज इक्वल टू 10। ये वेलोसिटी है जब दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन, ये कुछ डेटा आपको याद रखना है, हो सकता है आपको वापस आना पड़े। पॉइंट ये है कॉलिजन के बाद वेलोसिटी हो रही है 9, सॉरी वेलोसिटी होती है 10, ठीक है। तो ये आ गया कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कॉलिजन इज 10, ये ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन आफ्टर द कॉलिजन इज, बोला कि कॉलिजन के बाद एम्पलीट्यूड कितना रहेगा। तो देखो अब यहां पर अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपने पास तरीका है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से यूज कर लेते हैं वी, अपने पास ओमेगा मैं फाइंड कर लेता हूँ, ए अपन को फाइंड करना है और ये है अपने पास 1, क्योंकि एक्स का कितना है 1, ठीक है। नाउ ओमेगा इसके अंदर कितना है के डिवाइड बाई 9, तो वो है 100, ठीक है। तो ये आ गया 100 का रूट, तो ये आ गया 10, यहाँ पर 10 करूँगा तो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास रूट 2, ऑप्शन नंबर 3। नाउ सेक्शन बी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन द सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंटर द एटमोस्फेयर रीजन, इट एनकाउंटर स्मॉल एयर रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, ये बोला गया कि एयर रेजिस्टेंस से बहुत नेग्लिजिबल है वो आता है, तो उसमें से कौन कौन सा होगा। देखो पहली बात, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ये यहाँ पर है अर्थ, और यदि ऐसे घूम रहा है तो ये अब ऐसे घूमेगा, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है उसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट,
काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो यदि अभी भी ये ओवरऑल अभी भी ये ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम माइनस ऑफ माइनस जी एम एम आर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ गई जी एम एम डिवाइड बाई आर। नाउ आर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी वैसे रॉन्ग होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द अर्थ डिक्रीज। तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली डिक्रीज होगा, उसका सिंपल सा रीजन है, मैं यदि सिर्फ इसका डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ इस सेटेलाइट का, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण इसके अंदर जो टॉर्क लगेगा वो ऐसे लगेगा। ठीक है, मैं यदि यहाँ से देखूँ तो टॉर्क जो है वो मोशन के ऑपोजिट लग रहा है, सो टॉर्क इज होता है माइनस, टॉर्क होता है डी एल बाई डी टी, ये माइनस में लग रहा है, सो डी एल इंटू डी टी, सो एंगुलर मोमेंटम विल डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर लार्जर एंड स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है वो है माइनस जी एम एम आर। अब बोला है कि आर हो रहा है इंक्रीज, यदि आर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी है ये डिक्रीज होगी, क्योंकि आर इंक्रीज हो रहा है ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन माइनस है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी इंक्रीज। तो आपको बोला है कि इंक्रीज कौन कौन सी होगी, तो जो सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन ये आ गया फर्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी अपन कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है जी एम आर, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा हो गया v डिवाइड बाई आर, तो और ये आ गया अपने पास v इज इक्वल टू आर की पावर 3/2। तो यदि r इंक्रीज हो रहा है तो v क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लीनियर ऑर्बिटल वेलोसिटी वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, यदि r इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है एम ए सी इज इक्वल टू एफ, अब एफ क्या होता है जी एम एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, सो आर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो ये भी होगा डिक्रीज, सो ऑप्शन इज ओनली वन इज राइट। नेक्स्ट, ए सैटेलाइट एस इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो आपको इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो मल्टीपल चॉइसेस का मतलब नहीं है कि आपको मल्टीपल चूज करने ही करने हैं, आपको लगता है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी उसी हिसाब से दिया है, द एक्सेलरेशन ऑफ द एस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, डेफिनेटली उसकी तरफ रहेगा। इसमें देखो एक कॉमन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा ऐसा रहेगा क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा। आपको पूछ लिया जाए कि एसी और एटी सेंटर की तरफ रहेगा क्या, तो आंसर है रॉन्ग है, एसी भी चेंज होगा एटी भी चेंज होगा। ठीक है, नो सेकंड है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंज इन द डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स, टॉर्क इज ऑलवेज जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द एस वेरीज पीरियडिकली, बिल्कुल नहीं है, टोटल जो एनर्जी वो कॉन्स्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द एस रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, तो इसके अगेन फिर आंसर आ गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट, टू सैटेलाइट एस वन एंड एस टू ऑफ इक्वल मासेस रिवॉल्व इन द सेम सेंस अराउंड ए हैवी प्लैनेट इन द कोप्लैनर सर्कुलर ऑर्बिट रेशियो, एक है आपको यहाँ पर रेडियस का रेशियो दे रखा है तो दिक्कत नहीं आएगी,
जैसे पहला पूछा है रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ, तो देखो क्या होता है, टी वन डिवाइड बाय टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय फोर का क्यूब, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन टू थ्री इंटू टू, तो टी वन डिवाइड बाई टी टू आ गया वन बाई टू का क्यूब, दैट इज वन बाई एट, ठीक है, तो फर्स्ट राइट हो गया। देयर वेलोसिटी आर इन द रेशियो, तो वेलोसिटी का अभी दिया था आपने फॉर्मूला जी एम डिवाइड बाई आर, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ वी वन डिवाइड बाई वी टू इज इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन, ठीक है, सॉरी इनवर्स आ गया, हाँ ठीक है, तो आर टू है फोर आर, ये है आर, तो आ गया टू, ये भी राइट है। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द प्लैनेट आर इन द रेशियो, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो, अभी आपने टी का और वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कर लिया है, तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा एम वी वन आर वन डिवाइड बाई एम वी टू आर टू, ये अपन काट दें, वी वन और वी टू का रेशियो जस्ट आया था टू डिवाइड बाई वन इंटू आर वन डिवाइड बाई आर टू, तो ये आ गया वन बाई फोर, तो ये आ गया वन बाई टू, तो ये अपना आंसर राइट नहीं है। रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जैसे मैंने रेशियो फाइंड किया था, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द पार्टिकल ऑफ मास एम इज एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास एंड हैविंग रेडियस ए, द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सेलेक्ट रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, रॉन्ग अपन को सेलेक्ट करना है। तो पहला है ग्रेविटेशन फील्ड एंड द पोटेंशियल बोथ आर जीरो एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर फील्ड रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल भी रहेगा, फील्ड भी, दोनों रहेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो नॉट ओनली इनसाइड द सेल बट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। इनसाइड द सेल ग्रेविटेशन फील्ड इज अलोन इज जीरो, बोला कि ओनली वही है, तो ये फिर ये भी, क्योंकि वो है ही नहीं जीरो, पहली बात तो एक्चुअली जीरो ही नहीं है, तो एलोन की बात ही नहीं है, तो वो रॉन्ग हो गया। नेदर ग्रेविटेशन फील्ड और नॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो इनसाइड द सेल, ये ऑप्शन राइट है, लेकिन अपन को सिर्फ रॉन्ग सेलेक्ट करने थे, इसलिए वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय, आपको दे रखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर, तो आपको बताना है कि मोशन कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। पहले इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, टू वी डी वी बाई डी टी, तो वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो माइनस 18x डी एक्स बाई डी टी, वो आएगा वी, तो ये वी से वी गया, तो ए का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस 9x, ठीक है, बेसिकली SHM हो गया, ये अब आपको दिख रहा होगा मोशन इज यूनिफॉर्मली, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है इसका। सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए इज इक्वल टू माइनस 9 × 3 डिवाइड बाई 0, तो ये आंसर राइट हो गया। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन x इज इक्वल 12 के अबाउट नहीं है, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर फिक्स पॉइंट इज 4, देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो वेलोसिटी 0 कितनी हो रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 9, ये आ गया 12, तो x का वैल्यू आ गया रूट 12, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है रूट 12, क्योंकि x 0 मीन पोजिशन है रूट 12, तो ये भी, तो इसका भी आंसर फिर आंसर ओनली सेकेंड वन। नेक्स्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ए बाई टू फ्रॉम द मेन पोजिशन ओ टुवर्ड्स एंड ट्रेवल टुवर्ड्स द लेफ्ट एज शोन इन फिगर, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है लेफ्ट, ठीक है, तो आपको इक्वेशन लिखनी है, तो सिंपल सा इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब अपन को फाइव फाइंड करना है,
तो 5 फाइंड करने का अपन मेथड यूज कर लेते हैं, ये वाला मेथड। पार्टिकल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है, तो a बाई टू ये इसका मीन पोजीशन का पोजीशन होता है, मीन ये यहाँ से इसका a बाई टू है, तो आपको ये वाला है ये फाइव है, ठीक है, ये वाला फाइंड फाइव करते हैं। उसके लिए मैं क्या फाइंड कर रहा, तो अल्फा, तो अपने पास आ गया a साइन अल्फा इज इक्वल टू a बाई टू, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 60, दैट इज पाई बाई थ्री, सॉरी 30, दैट इज पाई बाई सिक्स। तो जब फाइव आएगा वो आएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इज फाइव पाई बाई सिक्स। तो ऑप्शन आगे फर्स्ट, एक कॉस और दे रखा है तो इसको मैं यदि ब्रेक करूंगा, तो इसको मैं यदि पाई बाई टू ऐसे पाई बाई थ्री लिखता हूँ तो भी वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्टिकल आर इन एस एच एम विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ए एंड टू ए रेस्पेक्टली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ सेम मीन पोजिशन, दे क्रॉस इच अदर एट पोजिशन ए बाई टू फ्रॉम द मीन पोजिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द फेज बिटवीन देम इज, अब देखो ऑप्शन में से अपन को सेलेक्ट करना है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो एक का तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 2a, तो मुझे खास करके इसका पोजीशन लिखना है, इसका फेज डिफरेंस लिखना है, बाकी का कोई नहीं। पार्टिकल अभी भी a बाई टू पर है, दोनों पार्टिकल a बाई टू पर है, तो एक का फेज तो मेरे पास सीधा सीधा है a बाई टू पर होता है, तो वो होता है पाई बाई सिक्स, ठीक है। दूसरा का फेज डिफरेंस, अच्छा पाई बाई सिक्स भी हो सकता है, ठीक है, और अपन फाइव बाई सिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, फाइव पाई बाई सिक्स ये, और एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, तो सेकेंड वाले का फेज लिखता हूं मैं, तो ये आएगा अपने पास a बाई टू इज इक्वल टू टू ए साइन फाइव, तो यहां से मेरे पास साइन फाइव का वैल्यू आ गया 1/4, तो फाइव का आंसर आ गया साइन इनवर्स 1/4, ठीक है। एक और आता है इनवर्स की टर्म में, बट जो इन ऑप्शन में से अपन देखें तो ऑप्शन जो अपना पर 8 आ रहा है, इसका आया 5/6 माइनस साइन इनवर्स 1/4, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम एस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो यहां पर आपको वेलोसिटी के बारे में दे रखा है, तो अपन को पता है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट द एक्सट्रीम पोजिशन, तो एक्सट्रीम पोजिशन कहां कहां है, तो एक्सट्रीम पोजिशन एक तो है यहां पर, यहां पर ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है, मतलब मैक्सिमम जो है जो वेलोसिटी रहेगी, सॉरी वेलोसिटी जो मैक्सिमम रहेगी वो रहेगी मीन पोजिशन पर, तो जो मीन पोजिशन है जहां पर वाई जीरो है, तो ये है और ये है, तो v इज मैक्सिमम कहां कहां पर है, t बाई फोर पर और 3t बाई फोर पर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम है जहां पर a मैक्सिमम हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, तो कहां कहां पर है a मैक्सिमम, a मैक्सिमम अपने पास आएगा 0 पर, t बाई टू पर एंड t पर, तो ऑप्शन दे रहेगा t, ये राइट हो गया। थर्ड, फोर्स इज जीरो एट टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर मतलब यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर y कितना है जीरो, y जीरो तो फोर्स कितना रहेगा जीरो, तो ये आंसर भी राइट हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल द ऑसिलेशन एनर्जी एट टी इक्वल टू टी बाई टू, नाउ पोटेंशियल एनर्जी टी बाई टू पर, टी बाई टू पर ये क्या है अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ फिर ऐसे लिख सकता हूँ हाफ के ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वो मैक्सिमम पोजीशन पर है और उतनी की उतनी रहती है टोटल एनर्जी, तो ये स्टैंड भी राइट है, तो ऑप्शन हो गया 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट नेक्स्ट, टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एम टू एज शोन इन द फिगर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट इसके अंदर नहीं है, तो अपन देख लेते कि करेक्ट कौन सा है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज कंटिन्यूसली, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पार्टिकल एस एच एम करता रहेगा, इसकी वेलोसिटी जरूर इंक्रीज होगी लेकिन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो एज पर ऑप्शन ये भी राइट हो गया। ब्लॉक स्टार्ट परफॉर्मिंग एस एच एम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विच मूव रेक्टेंगुलरली विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, एफ डिवाइड बाई एम वन डिवाइड बाई एम टू, और ये एस एच एम करता रहेगा, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना, फर्स्ट राइट हो गया। ब्लॉक स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी अबाउट सेंटर ऑफ मास विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। ये देखो एक सिंपल सी बात है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, वो भी सिस्टम की, एम्पलीट्यूड में कोई नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन एज पर हो गया रॉन्ग। एक्सेलरेशन ऑफ एम टू इज मैक्सिमम एट इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम ओनली, जो एम टू है, देखो एम वन और एम टू दोनों ऑसिलेट करते रहेंगे, तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद इनका एक्सेलरेशन बार बार मैक्सिमम होता रहेगा, तो ओनली वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो यदि रॉन्ग ही सिलेक्ट करना था तो आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मास ऑफ द पुली इज नेग्लिजिबल, फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछा है, इसका मतलब आपको पूछा है ओमेगा, फर्स्ट थिंग तो ये, ठीक है। नाउ देखो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो जी पर डिपेंड नहीं करता है, जो जी हो या नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उससे अपना थोड़ा क्वेश्चन क्या इजी हो जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत इजी बन जाती है, तो अपन ये मानकर चले कि एम जी लग ही नहीं रहा है, तो सब अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अब मैंने इसको यदि नीचे खींचा, नीचे खींचेंगे, लेट मैंने इसको एक्स नीचे खींचा, तो इस एम पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा टी, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की ओर, तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फाइनली मुझे क्या करना है, टी को रिप्लेस करना है। अब मैं यदि यहाँ टी लिखता हूँ, यहाँ टी लिखता हूँ, तो इस टी के कारण इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेट इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वन, और डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा, तो एक मैं लिख सकता हूँ 2t इज इक्वल टू k1 2x1, और एक लिख सकता हूँ k2 2x2। नाउ देखो t का वैल्यू यहां तो अपने पास लिख लो k 2x वैल्यू के टर्म में, तो मुझे एक तो x चाहिए, ये वाली जो इक्वेशन है t इज इक्वल टू ma, टी आप यहां से रिप्लेस कर सकते हो, टी का वैल्यू अपने पास आ गया के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू, ठीक है। टी आप चाहे यहां लिख लो, दैट इज के वन एक्स वन इज इक्वल टू एम ए, और ये जो है वो ये है डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे यहां पर एक्स वन नहीं चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए एक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि मैंने इसको एक तो अपने पास इक्वेशन है, यहां से स्ट्रिंग लूज हुई थी x2 और यहां से x1, तो मैं लिख सकता हूं 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, तो मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x बाई टू, ठीक है। इस x1 को रिप्लेस करना है मुझे x के टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 प्लस x2, x2 मेरे पास यहां से आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा K1 वन डिवाइड बाई के टू इंटू एक्स वन, तो यह आ गया K1 वन डिवाइड बाई के टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो यहाँ से सॉल्व करने पर मेरे पास एक्स वन यह आ गया K2 टू प्लस के वन डिवाइड बाई के टू इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टू, तो अब ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 1, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1, सॉरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 1। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ए बॉडी इज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद स्पीड 1.5 gmr, नेग्लेक्टिंग एयर इज रेजिस्टेंस एंड द अर्थ रोटेशन, द हाइट टू विच द बॉडी विल राइज इज kr, देन फाइंड k।
तो ये तो एक यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, लेट हाईएस्ट हाइट ये होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेता हूँ माइनस जी एम डिवाइड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर थ्री बाई टू जी एम डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, जब आप इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कैविटी इज मेड इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर सच दैट द सेंटर ऑफ कैविटी इज आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाई फोर। एक कैविटी है आर बाई फोर की जिसका सेंटर आर बाई टू पर है, तो उसके सेंटर पर आपको बताना है जी का वैल्यू। तो ये आपको एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। जैसे इसका ये सेंटर सी वन है और इसका ये सेंटर सी टू है, इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड रहता है वो रहता है जी एम आर क्यूब सी सी वन। ठीक है, तो एज पर जी एम आर क्यूब सेंटर की डिस्टेंस कितनी है आर बाई टू, तो ये हो गया जी एम डिवाइड बाय टू आर का स्क्वायर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी मूव इन द पोटेंशियल एनर्जी यू शोन बिलो द पीरियड ऑफ द मोशन व्हेन द पार्टिकल हैज टोटल एनर्जी। आपको बुलाया है कि इसके अंदर के दे रखा है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा। तो देखो, पहली बात तो ये आधा टाइम तो करेगा एसएचएम और आधा टाइम करेगा ये लीनियर मोशन, तो लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो वही रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 2 प्लस 2 वी बाई जी। ठीक है, टी का फॉर्मूला आपने बताया 2 पाई एम बाई के। नाउ अपन को फाइंड करनी वी, अपन को पता है ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो मेरे पास वी आ जाएगा 2 ई बाई एम। ठीक है, ये आप पुट करोगे 2, ये कितना है एनर्जी है 200, मास कितना है 1, तो मेरे पास आ जाएगा ये 20। ठीक है, तो वो आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लैनेट ऑफ मास एम इज इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन विद द ऑर्बिटल टाइम रेट टी, इफ ए बी द एरिया ऑफ द ऑर्बिट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इज। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ पर है और केपलर्स लॉ का आपको पता होगा डी ए बाई डी टी होता है एल डिवाइड बाई टू एम। अब इन्होंने दे रखा ये तो है ए, ये टी, टू एम इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए मास एम विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग विद स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ऑसिलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद एम्पलीट्यूड ए एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय रूट 3a/2 ए सेकेंड मास एम इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑन इट ओरिजिनल मास एंड इमीडिएटली स्टिक टू इट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन इज देन। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो अपन को दो दो चीज यूज करनी है। जब ये इतना दूर है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगी हाफ के 3a² डिवाइड बाई 4। मैं k लिख रहा हूँ सीधा सीधा के एक्स स्क्वायर, के को अपन को पता है ओमेगा बाई ए लिख लेंगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपको दे रखा है तो दैट इज 3/8 के ए स्क्वायर। अब बुलाया गया कि ये जब अपने मेन पोजिशन पर है k जो है बेसिकली वो है एम ओमेगा स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये अपन को याद रखना है, मैं साइड में लिख लेता हूँ 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, जब वो यहाँ पर है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 3a² डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब बोला गया है कि वो जब वहां पर है तो वो वहीं पर स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो आप यहीं से वैसे कर सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग मोशन फाइंड करना तो यहीं से भी कर सकते हो,
नाउ जब मास दोनों का इक्वल हो, ये भी एम है और ये भी एम है, तो जब स्टिक होंगे तो वेलोसिटी यदि पहले वी थी तो अब हो जाती है वी बाई टू, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हो जाती है हाफ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, अपन को पता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है 2m, तो मास डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है मैं इसका हाफ कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8, और ये वापस यहां से ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। और क्योंकि सब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे रखा है इसलिए मैं सब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कर रहा हूं, वेलोसिटी के टर्म में होता तो मैं सीधा सीधा लिख लेता वी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया नाउ, अब ये सिस्टम की हो गई टोटल एनर्जी, ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी तो कितनी होगी 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होती है ओमेगा ए वन का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7/8 का रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंटीजर और इसके साथ ही होता है ख़त्म। थैंक यू। जय सी एल सी।